दोस्तों आईपीएल 2022 में आज का मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद आईपीएल 2022 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2022 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी चार टीमें प्ले ऑफ में ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। इसके साथ ही पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किस प्लेयर के पास मौजूद है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोड़ करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो ध्यान से टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2022 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में आज का मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था और इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया और इस जीत के बाद आईपीएल 2022 के पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। तो पॉइंट टेबल में 10वें पोजीशन पर है आज के मैच की विनर यानी कि 5 बार की चैंपियन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम। और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 14 मैच खेले हैं, जहां पर 4 मैच में मुंबई इंडियंस की टीम जीत गई और 10 मैचों में मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और इस टीम का नेट रन रेट माइनस में है। लेकिन आज मुंबई की टीम ने आरसीबी के फैंस को काफी बड़ी खुशखबरी दी, क्योंकि मुंबई की जीत के बाद आरसीबी टीम को बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो चुका है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पर है डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 14 मैच खेले हैं, जहां पर 4 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत गई और 10 मैचों में चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट -0.203 है और चेन्नई की टीम का सफर भी इस साल खत्म हो चुका है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर है केन विलियमसन की कप्तानी वाली यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 13 मैच खेले हैं, जहां पर 6 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत गई और 7 मैचों में हैदराबाद की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 13 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट -0.230 है। और हैदराबाद अपना अंतिम मैच पंजाब के खिलाफ खेलेगी, हालांकि हैदराबाद की टीम प्ले ऑफ से पहले ही डिस्क्वालिफाई कर चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर है पंजाब किंग्स की टीम। और पंजाब किंग्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 13 मैच खेले हैं, जहां पर 6 मैच में पंजाब किंग्स की टीम जीत गई और 7 मैचों में पंजाब किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 13 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट -0.043 है। और पंजाब की टीम अपना अंतिम मैच कल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। तो आपके हिसाब से अपने अंतिम मैच में पंजाब जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जोर बताएं। और पंजाब की टीम प्ले ऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन में टोटल 14 मैच खेल लिए है, जहां पर 6 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत गई और 8 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पॉइंट टेबल में 6वें
पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट +0.146 है और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ के दौर से पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है और केकेआर का सफर इस साल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और लीग स्टेज के सभी मैच खेलने के बाद केकेआर की घर वापसी हो चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में पांचवे पोजीशन पर है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली यानी कि आज के मैच की हारने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में लीग स्टेज के टोटल 14 मैच खेल लिए हैं, जहां पर 7 मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत गई और 7 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट टेबल में पांचवे पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट फिलहाल प्लस में चल रहा है। लेकिन आज मुंबई इंडियंस से हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। अगर आज के मैच में दिल्ली की टीम मुंबई इंडियंस को हरा देती तो दिल्ली की टीम प्ले ऑफ में चली जाती, लेकिन मुंबई से हारने के कारण दिल्ली कैपिटल्स का सफर इस साल अब खत्म हो चुका है। इसके बाद पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर है आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 14 मैच खेले हैं, जहां पर 8 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जीत गई और 6 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 8 मैच जीत करके 16 अंकों के साथ आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट -0.253 है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आरसीबी की टीम 16 अंकों के साथ प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, जहां पर फोर्थ पोजीशन के साथ आरसीबी की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने में सफल रही। और आज मुंबई के जीत से आरसीबी टीम और आरसीबी के फैंस काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि मुंबई के जीतते ही आरसीबी टीम को प्ले ऑफ का टिकट मिल चुका है। तो आपके हिसाब से क्या इस साल आरसीबी की टीम फाइनल तक जा पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अब यहां पर आरसीबी ऑफिशियली प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है केएल राहुल की कप्तानी वाली यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 14 मैच खेले हैं, जहां पर 9 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीत गई और 5 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट +0.251 है। और लखनऊ की टीम भी प्ले ऑफ में पहले ही क्वालिफाई कर गई है, हालांकि लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल के टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाए, जिसका मला लखनऊ सुपर जायंट की टीम को है। इसके बाद पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर है आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन और संजू सैमसन की कप्तानी वाली यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम, और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 14 मैच खेले हैं, जहां पर 9 मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत गई और 5 मैचों में राजस्थान रॉयल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट +0.298 है। और राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, और इस टीम को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये टीम पॉइंट टेबल के टॉप 2 में है, यानी कि इस टीम को फाइनल खेलने के लिए 2 मौके मिलेंगे। तो राजस्थान के पास काफी हाईली चांस होगा कि ये टीम आईपीएल 2022 के फाइनल में चली जाए। इसके बाद पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहाँ पर है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम, और गुजरात टाइटंस की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 14 मैच खेले हैं, जहां पर 10 मैच में गुजरात टाइटंस की टीम जीत गई और 4 मैचों में गुजरात टाइटंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 10 मैच जीत करके 20 अंकों के साथ गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.316 है। और गुजरात टाइटंस की टीम 20 अंकों के साथ पहले ही प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, और इस टीम के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है
है कि ये टीम पॉइंट टेबल के टॉप टू में फिनिश कर पाई तो गुजरात की टीम को भी फाइनल में जाने के लिए दो मौके मिलेंगे, यानी कि इस टीम के पास बेहतरीन मौका है कि अपने पहले ही सीजन में आईपीएल 2022 के फाइनल में क्वालिफाई कर जाए। तो अब बात करते हैं पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, बाउंड्री किंग और सिक्सर किंग के बारे में। तो ऑरेंज कैप जॉस बटलर के पास है जो कि 14 मैचों में 629 रन बना चुके हैं। सेकेंड पोजीशन पर है केएल राहुल जो कि 14 मैचों में 557 रन बना चुके हैं। वहीं थर्ड पोजीशन पर है क्विंटन डिकॉक जो कि 14 मैचों में 502 रन बना चुके हैं। इसके बाद पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल के पास है जो कि 14 मैचों में 26 विकेट ले चुके हैं। सेकेंड पोजीशन पर है वनिंदु हसरंगा जो कि 14 मैचों में 24 विकेट ले चुके हैं। वहीं थर्ड पोजीशन पर है कगिसोर अबाडा जो कि 12 मैच में 22 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद सिक्सर किंग है जॉस बटलर जो कि 14 मैचों में 37 छक्के मार चुके हैं, और बाउंड्री किंग भी है जॉस बटलर जो कि 14 मैचों में 56 चौके मार चुके हैं। तो यही था आईपीएल 2022 में आज का नया पॉइंट टेबल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।